दो चीजें हमने पढ़ी अभी तक, साइन रूल और कोसाइन रूल। साइन रूल हमने, कोई भी साइड ट्राइंगल का आप ले लें, वो अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे साइन रूल। और कोसाइन रूल की हेल्प से, इफ वी गिवन ऑल दी साइड्स ऑफ दी ट्राइंगल, देन वी गेट पर्टिकुलर एंगल ऑफ दी ट्राइंगल, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने कोसाइन रूल पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको दिया था, जिसमें बी प्लस सी बाई 11, सी प्लस ए बाई 12, ए प्लस बी बाई 13, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका था, जिससे अपन तीनों साइड्स निकाल के कॉस ए का वैल्यू वहां पर कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन अपन ने कल किया था। इतनी थ्योरी में साइन रूल, कोसाइन रूल, यहां तक की थ्योरी में किसी बच्चे को आप में से कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी और डाउट, प्रीवियस जितना भी थ्योरी आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का है उसमें कोई डाउट है तो पूछ लें। केवल फॉर्मूला है साइन रूल का, बहुत इजी फॉर्मूला है, और कोसाइन रूल का एक इजी फॉर्मूला है। चलिए, आप नहीं पूछ रहे इसका मतलब आपको कोई डाउट नहीं है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू ये अपन जजमेंट करेंगे कि अपन ने किस हद तक थ्योरी समझा है, और कौन सा बच्चा सही रिस्पॉन्स कर पा रहा है। क्या वो नीट का है, या फिर इंदौरा ब्रांच का है, या फिर रामदास पेठ का है, या फिर मानकापुर ब्रांच का है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं जब भी आप रिस्पॉन्स करेंगे तो आपका नाम ब्रांच के साथ लेके बताऊंगा। ठीक है, कंपटीशन अपन जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी कंपटीशन में हिस्सा लीजिए। अभिषेक कड़ू देखो अब आ रहे हैं, नींद खुल गया इनका। जबी भी आता है बच्चा सब। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, टाइम पर आओ, क्या तुम इतना लेट आता है। ओके सर, सॉरी सर। हाँ ओके, सो हियर हमने दो क्वेश्चन किया था कोसाइन रूल पर, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। साहिल साहू ने एक ही किया, क्योंकि साहिल साहू चाहे बीच में कहीं चले गए होंगे। तो एक अपना वो जो स्मॉलेस्ट एंगल का क्वेश्चन था वो अपन ने किया था, जिसमें एंगल सी कॉस 30 30 डिग्री आता है। और दूसरा क्वेश्चन 5/7 अपन ने किया, जिसमें अपन को कॉस सी पूछा था। ये अभी मैंने देखा तो मेरे ध्यान में आया। तो दो क्वेश्चन अपन ने किए हैं, और नाउ कोसाइन रूल पर एक और क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, और उसके बाद अपन अगले रूल पर चलेंगे, विच इज अवर प्रोजेक्शन रूल, नेक्स्ट रूल। ठीक है, बट बिफोर दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, बताइए यदि मैं कोई ट्राइंगल कंसिडर करूं, एन ट्राइंगल ए बी सी, एन ट्राइंगल ए बी सी, द वैल्यू ऑफ टू ए सी साइन ए माइनस बी प्लस सी बाई टू। इसका वैल्यू कितना आता है, ए माइनस बी प्लस सी बाई टू, किसी ट्राइंगल ए बी सी में इसका वैल्यू कितना आएगा। वो क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर इट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इट इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं आता, कुछ और ही आता है। विच वन इज करेक्ट, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन अगेन द कोसाइन रूल्स जो अपन ने लास्ट में डिस्कस किया। और करिए आप इसको सॉल्व। ठीक, श्रुति बेटा अपना आईडी अपडेट करो, जैसे बाकी बच्चों का है। श्रुति सबका जाके देख लो सबने कैसे लिखा है श्रुति पन्ना से, वैसा अपना ब्रांच और स्ट्रीम दोनों मेंशन करो। सभी ने अभी अपडेट किया है, आप भी अभी अपडेट करो। श्रुति दिस इज रॉन्ग आंसर हर्ष। क्या लिखा, क्या बोले बेटा, एबीसी कॉमा लगाया उसके बाद।
नहीं सर वो क्यू लिखा है क्या? टू ट्वाइस 2ac into sin a minus b plus c by 2. Okay. Harsh, we check karein NDA Manakapur branch se. This is wrong answer. You have to check your answer. GB da correct hai. JE Indora. So Indora branch abhi overall aange chal raha hai. अभिषेक कड़ू चेक करिए गलत जवाब. सेजल लोखंडे चेक करें गलत जवाब. हर्ष वी एनडीए मानका. अबे कितनी बार करेगा हर्ष? अच्छा पहली बार रॉन्ग हो गया था. हर्ष करेक्ट है अभी मानकापुर से. अभिषेक कड़ू करेक्ट सही जवाब. नीट इंदौरा ब्रांच. मतलब ओवरऑल इंदौरा का पल्ला भारी है. मुर्सलिन पठान ओके. जेई मानकापुर ये बेटा रॉन्ग आंसर है. लेकिन मुर्सलिन चेक करो अपना आंसर. आयुषी आंसर करें. अनुराग खरे चेक करो बेटा योर आंसर इज रॉन्ग. एनडीए करना है अनुराग को. अनुराग चेक करो रॉन्ग है ये. ओके सर. नहीं हर्ष अंबार थे इंदौरा ब्रांच से. गलत जवाब दे गए आप. अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 ऐसा नहीं करना. पूरी मेहनत से ट्राई करो आएगा जरूर. 5-8 सवाल है. जेई में इस तरीके के सवाल आते हैं. ट्रिकी है. बहुत लेंदी कैलकुलेशन नहीं है. फॉर्मूला बेस्ड है. और इससे भी ज्यादा इजी क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनता इससे ज्यादा इजी. सबसे इजी यही है. मुर्सलिन पठान कटेक करेक्ट है अभी. वेरी गुड. जेई मानकापुर ब्रांच से मुर्सलिन पठान. सेजल लोखंडे यू हैव टू चेक योर आंसर. जेई की बच्ची है रामदास पेट ब्रांच से लेकिन गलत जवाब दिया. जागो जेई वाले जागो. अनुराग खरे मानकापुर करेक्ट है एनडीए. अर्थव करेक्ट है जेई इंदौरा. वेरी गुड. चलिए आने लगा अब आंसर बच्चों का. देखिए आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आएगा. साहिल साहू शांत बैठे हैं. नींद लग गया शायद. साहिल दानव साहिल साहू दोनों का कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है. हैं कि बाहर हो गए? साहिल साहू तो बाहर ही चला गया. चलिए सो लास्ट आंसर अर्थव का करेक्ट है. नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. देख लीजिए आप कहां पर आप गलत हो गए. आंसर चेक करो बेटा रॉन्ग है ये. सो देखिए बी पे नेगेटिव है और इसलिए आंसर बी वाला आएगा. ये आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं. बी वाला नेगेटिव था तो यहां पे बी वाले पे हमने साइन मार दिया टिक. और अब देखिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्योंकि आपको दिया है ट्राइंगल एबीसी तो सॉल्व करने के लिए यहां पर अपना ये जो 2ac है ये सच रखा और साइन दिस ए प्लस सी. इस ए प्लस सी को अपन लिख सकते हैं 180 माइनस बी. ऑलरेडी एक माइनस बी पहले से था. मैंने क्या करा है ए प्लस सी की जगह 180 माइनस बी लिखा है. अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये पाई बाई टू माइनस बी बन जाएगा.
और आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये 2ac cos b बन जाएगा। और कोसाइन रूल आपने पढ़ा है, cos b का फॉर्मूला होता है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, ये कट गया और वी गेट अवर आंसर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सांगा सांगा, कोई डाउट है तो सांगा। चलिए अच्छी बात है, आपको डाउट नहीं आता। आयुषी आंसर क्यों नहीं आया तुम्हारा? सर वो समझा ही नहीं था। अभी समझ गया? हाँ सर। सर वो पाई माइनस बी माइनस बी वो कैसे? देखो अपन जानते हैं ट्राइंगल दिया है, तो ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होता है? 180 होता है। तो मैं ए प्लस सी की जगह पर ये बी को ट्रांसफर कर दिया, तो ए प्लस सी को अपन कितना लिख सकते हैं? 180 माइनस बी। समझ गया? तो ये जो ए और सी पे टिक लगा है उसकी जगह 180 माइनस बी लिखा, और जिस पे गोला लगा है वो तो बचा ही है अपना। समझ गया अभी बेटा? यस सर। ओके, तो जब भी ट्राइंगल देंगे इस तरीके से आप एसोसिएट कर लें उसको, बहुत इम्पोर्टेंट सम है। और जिन बच्चों ने सही जवाब दिया उनको बहुत बहुत बधाई। मूविंग ऑन टू दी अगला कंसेप्ट, हमने दो रूल अभी तक पढ़ लिए, साइन हो गया हमारा, कोसाइन हो गया। अब अपन टेंजेंट पढ़ेंगे, लेकिन बिफोर पढ़ने के टेंजेंट एक और मैं रूल उसमें डाल रहा हूँ, विच इज कॉल्ड दी प्रोजेक्शन रूल। सो नेक्स्ट वन इज अवर प्रोजेक्शन रूल। तो देखिए थर्ड वन इज प्रोजेक्शन रूल, तीसरा और बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, प्रोजेक्शन रूल पर फिर अपन करेंगे। प्रोजेक्शन रूल आपका ये कहता है किसी भी ट्राइंगल में, जितने भी हम रूल लिख रहे हैं वो किसी ट्राइंगल के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ट्राइंगल आप कोई सा भी लिख सकते हो। तो प्रोजेक्शन रूल के मुताबिक इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, ये अपन ने ट्राइंगल ले लिया, दिस इज अवर ट्राइंगल। और आप जानते हो ट्राइंगल में सबसे पहली बात आपने पढ़ी, ये साइड का लेंथ एंगल ए के अपोजिट, बी के अपोजिट और सी के अपोजिट साइड लेंथ होती है स्मॉल सी। और प्रोजेक्शन रूल के मुताबिक इस ट्राइंगल एबीसी में स्मॉल ए का जो वैल्यू है, स्मॉल ए कैन बी रिटेन बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, यह है प्रोजेक्शन रूल। आप स्मॉल ए को बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं वो अब आप ध्यान से समझिएगा। प्रोजेक्शन रूल में देखिए, हमको यहां पर मैंने स्मॉल ए को ये बी के टर्म्स में और ये सी के टर्म्स में लिखा, मतलब स्मॉल ए को हमने लिखा है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। कैसे लिखा है वो आप देखें। एक बात जो आपने याद रखनी है कि यदि आप ए लिख रहे हो तो फिर यहां पर कहीं भी ए नहीं आएगा, ना तो एंगल ए आया है ना स्मॉल ए आया है। स्मॉल ए का वैल्यू हमने बी और सी के टर्म्स में लिखा है ओनली, मतलब जब आपको क्वेश्चन में एंगल बी एंगल सी स्मॉल बी स्मॉल सी दिया होगा तो ये चारों से अपन स्मॉल ए का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोजेक्शन रूल,
अब हाउ टू वेरीफाई दिस, देखिए वेरिफिकेशन इसमें केवल एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है कि जब आप वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अपन डी नाम दे देते हैं और ये जो लेंथ है हमारी ये ए है, ये मैं थोड़ा सा नीचे मेंशन कर देता हूं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को डी नाम दिया। अब आप ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए डी बी, इसका मैं वेरिफिकेशन आपको बता रहा हूं कि हाउ टू वेरीफाई दिस। तो टू वेरीफाई दिस सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसके बाद आप राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी को देखते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी आप ये बताओ कॉस बी का वैल्यू कितना बनेगा, ये एंगल बी का कोसाइन कितना होगा कॉस। तो कॉस कितना होता है, एडजेसेंट साइड मतलब बी डी अपॉन सी, ए बी, ए बी का लेंथ कितना है सी। तो यहां से आप बी डी का लेंथ कितना लिख सकते हो, बी डी बराबर आ जाएगा सी कॉस बी, इस तरीके से। तो मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके बी डी निकाल लिया और बी डी का वैल्यू क्या बना, सी कॉस बी। एंड सिमिलरली जो दूसरा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल यदि आप ए डी सी की बात करें तो कोसाइन ऑफ एंगल सी कॉस सी, कॉस सी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डी सी अपॉन बी। तो यहां से डी सी का लेंथ कितना आ जाता, बी कॉस सी आ जाता। अब व्हेन वी गेट बी डी एंड डी सी, ये बी डी भी मिल गया और डी सी भी मिल गया, तो दोनों का वैल्यू डाल दीजिए, देयरफॉर स्मॉल ए मतलब बी सी और बी सी को आप क्या कर सकते हो, बी डी प्लस डी सी लिख सकते हो। बी डी का लेंथ कितना निकाला था आपने, सी कॉस बी, और ये कितना निकाला था, बी कॉस सी, हेंस वी वेरीफाई अवर रिजल्ट। तो प्रोजेक्शन रूल से ये अपना रिजल्ट जो है वो वेरीफाई हो गया। तो यो याद रखने वाली बात है कि स्मॉल ए को जब हम लिखेंगे तो हम स्मॉल ए को स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल बी और कैपिटल सी के टर्म्स में लिखेंगे, कहीं भी स्मॉल ए या कैपिटल ए नहीं आता। और वंस वी राइट दिस, ये पहला नियम है इसका, और इसकी हेल्प से सिमिलरली दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल बी का वैल्यू, स्मॉल बी को अपन क्या लिखेंगे, अब कहीं भी बी नहीं आएगा, तो स्मॉल बी कितना लिखा जाएगा, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और लास्ट थर्ड रिजल्ट स्मॉल सी को आप क्या लिखेंगे, ए कॉस बी, और फिर ए बी इंटरचेंज कर दो तो क्या आएगा, बी कॉस ए। ये आपके तीन प्रोजेक्शन रूल हैं। और आगे जब किसी क्वेश्चन में आपको ये क्वांटिटी मिलेगी तो मैं उसकी जगह स्मॉल ए लिख सकता हूँ, इसकी जगह स्मॉल बी लिख सकता हूँ, और ये कभी बन गया तो अपन उसकी जगह स्मॉल सी लिख देंगे। मतलब सी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल। ठीक, एक की हल से बाकी दो लर्न कर सकते हैं, तो जिस पर मैंने टिक किया है बस उसको रट्टा मान लेना, वेरिफिकेशन ऊपर से गया तो भी चलता, लेकिन फॉर्मूला जरूरी है, फॉर्मूला मस्ट है। और याद रखने का तरीका ये है कि जब आप ए लिखोगे तो ए लिखते वक्त कहीं भी बी और सी ही आएगा, ए नहीं आएगा, और बी लिखते वक्त बी नहीं आता, सी लिखते वक्त सी नहीं आता। इतनी बात से आप याद रखोगे तो बहुत लंबा याद रख सकते हो। अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसमें पढ़ा साइन रूल, हर साइड अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। कोसाइन रूल, तीनों साइड की हेल्प से कोई भी एंगल आप लिख सकते हो। और लास्ट अभी अपन ने पढ़ा प्रोजेक्शन रूल, इन विच ईच साइड कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ अदर टू साइड्स एंड एंगल अपोजिट टू देम। हर साइड को बाकी बची हुई दो साइड और उन दो साइड के अपोजिट एंगल के टर्म्स में अपन लिख सकते हैं, ये मैंने लिखा। अब आप इसको नोट कर लें, इस पर बेस अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नोट करें, स्क्रीनशॉट लें इसका। कोई मन में सवाल, क्वेरी, परेशानी, दुविधा पूछ लीजिए। दीपिका, यस सर, समझ गया? मैं कुछ भी नहीं समझा। चलो बहुत अच्छी बात, बधाई हो दीपिका,
जीविदा को दुविधा है, हमें पता ही था तुमको नहीं समझा होगा क्योंकि बीच बीच में तुम चली जाती हो ना छोड़ छोड़ के। सर मैं तो यहीं पे हूँ अब। क्या सोच रही थी तो वहां बैठे बैठे? सर कुछ नहीं। अरे देखो ये तो सब है जब अपन ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मैं ऑनलाइन में भी बच्चों को पकड़ लेता हूँ कि कौन सा बच्चा समझ रहा है कौन सा नहीं समझ रहा। अब आप ये सोचो जब आप ऑफलाइन में आओगे और मेरे सामने बैठ के पढ़ोगे तब तो मैं इतना ज्यादा फेस रीडिंग कर लेता हूँ कि आप किस हद तक समझ रहे हो वो हद तक मैं समझ लेता हूँ। ठीक है तो कोई डाउट है तो पूछे। अभी इसमें कौन से पर्टिकुलर स्टेप में आपको प्रॉब्लम गया? सर आपने जो स्टार्टिंग में बताए थे ना। क्या बताया स्टार्टिंग में? A is equals to, उसके पहले वो वही से नहीं समझा। ये तो फॉर्मूला ही है, इसको समझना नहीं है, इसको याद रखना है। अब मैं आपको ये फॉर्मूला कैसे आया वो बताया। तो ए कहाँ पर दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है डायग्राम में? ऊपर दिख रहा है, धन्य हो तुम। ये दिख रहा है, ये है ए, बी सी। Yes, ये जो ए लिखा है, ये जो ए लिखा है ना, ये है। मतलब स्मॉल ए का मतलब क्या होता है? बी सी साइड की लेंथ। तो मेरे को बी सी साइड का लेंथ चाहिए था, तो बी सी को मैंने दो में ब्रेक कर लिया, बी डी और डी सी में। तो पहले मैंने आपको बताया कि बी डी का लेंथ कितना आता है। ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इधर ही हो जीविता, चली तो नहीं गई? सर इधर ही हूँ। हाँ देखो तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी लिया, ये ए डी बी लिखा है। इसमें एंगल बी का कॉस लेंगे, कॉस बी, कॉस बी का वैल्यू कितना होता? बी डी अपॉन सी। हाँ बी डी अपॉन सी लिख दिया, तो बी डी का वैल्यू सी कॉस बी आ गया। समझ गया ये? यस सर। ऐसे ही डी सी लेंगे, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें इस एंगल सी का कॉस लोगे तो कॉस सी का वैल्यू बनेगा डी सी अपॉन बी, ये बन गया। तो यहाँ से डी सी का लेंथ आ गया, तो मेरे पास BD की वैल्यू आ गई, मेरे पास DC की भी वैल्यू आ गई, और BD में DC को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? स्मॉल a। तो ये देखो वही लिखा है, स्मॉल a बराबर क्या है? स्मॉल a बराबर BD प्लस DC है, और BD का वैल्यू कितना है? C cos B। DC का वैल्यू कितना है? B cos C। तो ये हो गया प्रूफ, a बराबर। हाँ अभी भी नहीं समझा होगा। मैं समझ गया। अरे वाह, और कोई बच्चे को कोई डाउट है क्या? पूछ लो। आयुषी तुमको कोई डाउट? नो सर। ओके हर्ष, हर्ष टी, जो हर्ष टी से अब हर्ष वी हो गए, कोई डाउट है? अरे सर, नो सर। अर्थ समझ गया तुमको? अनुराग खरे, यस सर। ओके आज सैंडो बनियान में ही हो क्या? यस सर। अरे समझ गया कि नहीं तुमको? समझा सर। ओके चलिए, और कोई महानुभाव मान्यवर रिस्पेक्टेड पर्सन यहाँ पर है जिनको नहीं समझा? एनी बॉडी है, कोई बॉडी यहाँ पर? श्रुति, श्रुति समझ गया तुमको? यस सर। ओके यस सरोदय, आवाज आ रहा है क्या अभी? यस यस सरोदय, तो माइक वाइक सब बंद करके ऐसा लग रहा है सो गए, चालू करके बस आवाज नहीं जाता। सेजल लोखंडे, यस सर समझ गया। चालू करके देखो सबका। अरे मालूम है, सब ऐसा ये दो चार ही जो है पढ़ने वाला है, मालूम रहता मेरे को। आएंगा कुछ नहीं, आज नहीं कल रियलाइज करोगे, कल नहीं परसों रियलाइज करोगे। अरे पढ़ लेता उस वक्त तो सही हो जाता था। सर आज फिजिक्स वाले सर ने करवाए थे सबके वीडियो ऑन। क्या है, वीडियो ऑन करेंगे तो तुरंत दो मिनट में टी शर्ट पहन के बैठ गया, वीडियो ऑफ किया फिर उठा के टी शर्ट उतारा और लेट गया, हो गया खत्म मैटर। कौन सी बड़ी बात है उसमें? यस सर, दो मिनट की बात है बस। हाँ हम डाल तो तुम पाक पाक, हमको पता है बहुत बड़े वाले हो तुम लोग। चलिए खैर कोई ना,
लेकिन बस यही बोलेंगे कि भाई पढ़ाई जो काम कर रहे हो ना वो काम करते वक्त पूरे मन से करोगे तो हर फील्ड में आप तो सकते। गेम खेल रहे हो तो बिल्कुल मन लगा के खेलो, तो पढ़ाई का मत सोचो। पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर दूसरा काम नहीं सोचने का, लड़ाई कर रहे हैं तो फिर तीसरा काम नहीं सोचने का, लड़ाई करो फिर तो जोरदार। तो मालूम है ना एक साथ दो काम करती, इसलिए तुमको दोबारा समझाना पड़ा हमको। ये वही मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात मान के चलोगे, एक बार में एक काम करोगे, आपका जो समय आपको लगता है ना 2 घंटा 3 घंटा एक चीज को समझने में, वो आप मिनटों में समझ जाओगे। फोकस बहुत जरूरी है, एट द सेम टाइम दो दो चीजें तीन तीन चीजें एक साथ करेंगे तो बहुत पछताएंगे, है ना, बड़ा पछताओगे। गाना सही बना है आप लोगों के ऊपर। तो आई होप अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ गया, बहुत अच्छी बात है। और इस पर अपन अब क्वेश्चन ले रहे हैं। नाउ हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी, प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल की खासियत ये है कि इसकी हेल्प से एक साइड, किसी भी एक साइड को ट्राइंगल की मैं बचे हुए दो एंगल और बची हुई दो साइड के टर्म्स में लिख सकता हूं। कैसे यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चन में आप ट्राई करिए, नहीं आएगा तो फिर मैं तो हूं ही आपको बताने के लिए। तो हियर वी डिस्कस क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका जल्दी से। लिखिए क्वेश्चन 1, आज का पहला सवाल आप बनाओ तो जाने। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी कॉस सी कॉस ए सी ए कॉस बी स्मॉल बी बराबर, ये कितना आएगा? क्या ये वन अपॉन, क्या ये वन अपॉन, क्या ये वन अपॉन, या फिर ये सी प्लस ए अपॉन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? तुक्का मत लगाइएगा, मेहनत से सॉल्व करो। और जो आंसर आए उससे फिर वही जाना पहचाना सन्नाटा। क्वेश्चन देने के बाद इतनी
सन्नाटा हो जाता है। हरे राम कंचन होगा बे। कौन आंसर किया है? सेजल लोखंडे एवरीवन में आंसर कर दिए है, क्या बात है। कौशिक करेक्ट है, एवरीवन वाला आंसर नहीं ना चलेगा। कौशिक एकदम सही जवाब मारते हुए। कौशिक अपना सॉल्यूशन तैयार रखिए, इसके बाद आपसे एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा इसका। कौशिक एनडीए कर रहे हैं और रामदास स्पीड ब्रांच से हैं और सही जवाब दिए हैं। सेजल लोखंडे जेई कर रही हैं, ये भी रामदास स्पीड ब्रांच से हैं और ये एवरीवन में आंसर किए हैं। आंसर करते वक्त विशेष ध्यान रखें कि आपका आंसर जा कहां रहा है। ओके सेजल, मैं आपका आंसर अभी नहीं बता सकता कि सही हो या फिर गलत हो। क्योंकि यहाँ बहुत समझदार बच्चे हैं, मेरे आंसर बताते ही ये तुरंत आंसर कर देंगे। ठीक है, तो तुम समझदार हो, मेरी भावनाओं को समझ रही होगी। हर्ष भी करेक्ट है, आगे से ध्यान रखें। जीविदा करेक्ट है। अनुराग खरे ये भी करेक्ट है। साहिल भी ये भी करेक्ट है, जबकि साहिल नीट का बच्चा है रामदास पेट ब्रांच से, फिर भी सही जवाब मारा है। अभिषेक कड़ू हाँ सही जवाब, ये भी नीट के बच्चे हैं, इंदौरा ब्रांच से हैं। पूर्वा कुंभलवार जेईई मानकापुर ब्रांच से, लेकिन पूर्वा आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। आंचल शेंडे नीट मानकापुर करेक्ट। ओके चलिए, सो करेक्ट आंसर इज 1/B। और अभी अपन कौशिक को मौका देते हैं कि कौशिक आपको एक्सप्लेन करेंगे। कौशिक एक्सप्लेन करिए। सर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो वो बी कॉस सी प्लस बी कॉस ए प्लस सी कॉस बी प्लस सी कॉस ए बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस ए हो गया। वेरी गुड। फिर अपन ने वो फॉर्मूला लगाया कॉस बी कॉस सी प्लस सी कॉस, उससे ए हो गया और कॉस बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी से सी मिल गया। वेरी गुड। और ए प्लस सी ऊपर नीचे कट गया और आंसर 1/B आ गया। वेरी गुड, ठीक करेक्ट है, चलेगा। जीविदा तुम बताओ क्या किए, और ये मत बोलना कि यही किए, अपने मुंह से बताना क्या किए। Yes, बोलो sir. हाँ क्या किया बताइए। cos c plus cos a upon c plus a plus cos b upon b, ये question था। बिल्कुल हाँ, वो तो लिखा ही है सामने। solution b in the bracket cos c plus cos a bracket close plus a plus c फिर cos b upon b in the bracket c plus a सेकंड स्टेप। सही है ना सर? हाँ हाँ बोलते जाओ।
सर बहुत लंबा है मेरा तो। अच्छा तो इसमें तो कौशिक ने बोल दिया इतनी जल्दी जल्दी, तुमको बोलने में आलस आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है बैठे रहो आलस बन के। सर पर स्टेप्स बहुत सारी है, नहीं बस रहन दो, मैं लिख देता हूँ, तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये क्या बनेगा, बी कॉस सी प्लस बी कॉस ए, और ये जो सी प्लस ए है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी। पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर, और डिनोमिनेटर में आपका आ गया बी इंटू सी प्लस ए। उसके बाद अगले स्टेप में ये जो b cos c है और ये जो c cos b है, ये b cos c प्लस c cos b को प्रोजेक्शन रूल से अपन a लिख सकते हैं, और जो बचे हुए ये दो हैं a cos b, मतलब इसमें c नहीं आ रहा, तो ये किसके बराबर होगा, c के, और नीचे भी b c प्लस a है, तो ये कट जाता है, तो आंसर वन अपॉन b आ जाता है। पता नहीं कौन से बहुत सारे स्टेप करे हैं जीविधा ने, तीन स्टेप में सॉल्व। ओके टिक कर लीजिए इसको, आंसर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जिन बच्चों ने सेकंड शॉर्ट मेथड में करते हो, कोई शॉर्ट नहीं है, ये उतना ही है, इतने ही स्टेप होते हैं मेनली। अब उसको तुम जबरदस्ती पहले बी सामने लिखोगे फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, हो गया डन। यस नोट कर लीजिए इसको, लवकर नोट करा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, अगला क्वेश्चन का आंसर करिए सभी बच्चे। क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं ये वाला, अब नेक्स्ट आप सभी से एक्सपेक्टेड है भी और नहीं भी, देखो आप कर पाते कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर दो, इफ के बी द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर है के, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी कॉस स्क्वायर बी बाई टू, अब करो तो जानू। आपके ऑप्शंस हैं, इसकी वैल्यू k आएंगी, 2k आएंगी, k बाय 2 आएंगी, या फिर इसका वैल्यू c आता है, स्मॉल c। क्वेश्चन देखिए एक बार ध्यान से, k ट्राइंगल का पेरीमीटर है, तो दिस इज अवर लास्ट सम ऑफ टुडेज क्लास, इसलिए अपना पूरा एफर्ट इसमें डाल दीजिए, पूरा ट्राई करिए आप इसको 100%।
ओके सेजल लोखंडे करेक्ट है. हर सोमवार से चेक करिए आप अपना आंसर, गलत जवाब है ही. ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ग्रुप में पोस्ट करें. आंचल छेंडे करेक्ट है, अभिषेक कड़ू करेक्ट है, सब कुछ है तो ना, बस सॉल्व करना है. तो ये जो हाफ, हाँ ये जो हाफ एंगल है इसको फुल एंगल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो फॉर्मूला है प्रोजेक्शन रूल का उसमें एंगल सी और एंगल ए आते हैं, ए बाई टू सी बाई टू नहीं आते. साहिल दानो करेक्ट है, पूर्वा चेक करें. तो ये जो एंगल आपको दिया है इसको एंगल सी और एंगल बी में कन्वर्ट कर लो, देन यू गेट योर आंसर. जिन बच्चों का आ गया वो ग्रुप में पोस्ट कर दें सॉल्यूशन, जिनका नहीं आया वो ट्राई करें. ये क्वेश्चन होमवर्क में है. आज आपने पढ़ा प्रोजेक्शन रूल, दो क्वेश्चन उस पर किए प्रोजेक्शन रूल पर बेस्ड, ठीक है. तीनों को आप रिवाइज कर लीजिए, कल और कुछ और थ्योरी हम इसमें ऐड करेंगे और ओवरऑल फिर हम कुछ कम करेंगे. और आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में. धन्यवाद, गुड नाइट, बाय. शुभ रात्रि, बाय सर, थैंक यू सर, जय जितेंद्र, ठीक है जा रहा हूँ, बाय बाय, जय जितेंद्र, हाँ जय श्री कृष्णा.